बाकी लोग पीछे रहे, पीछे रहे। अरे ऊपर में ना खाई बाबू, ऊपर में कौन वाले पॉकेट करे वाला है ये? ए बाबू जगह भीड़ बहुत है, ये भीड़ को अभी आती। निश्चित ही बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और मनरेगा का जो कूप निर्माण का भी कार्य चल रहा था, और लाभुक उनके परिवार का दो लोग और टोटल चार लोग जिस प्रकार अभी मिट्टी के अंदर मिट्टी धंस गया है, पूरे प्रशासनिक महकमे के लोग आए हैं, और एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से जेसीबी आया है, अभी पोकलैंड भी आ रहा है, जो प्रशासनिक सहायता हो सकता है, फिर गाँव के लोगों के द्वारा जो यहाँ मिट्टी हटाने का कार्य किया जा रहा है। हम आशा करते, उम्मीद भी करते हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल मिलें, वो जीवित रहें। पहले प्रार्थना तो ये है कि उनको पहले वो उनको निकालना, और उसके बाद जो एम्बुलेंस वगैरह सारा आया हुआ कि उनको हम अगर वो सही सलामत हैं, अगर थोड़ी सी भी है तो चिकित्सा उनको प्रोवाइड करके उनके पहले सबसे पहले उनकी जान जान बचाने की हमारी पहले प्राथमिकता हमारी ये है। उसके बाद जो भी अगर कोई ऐसे दुखद घटना हो जाती है तो फिर प्रशासनिक प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसके तहत सरकारी क्या हम सहायता कर पाएँ वो हम करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सकुशल निकले, हमारे जो काम कर रहे हैं वो सकुशल निकले, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। दो महीना पहले ये कुआं खोदने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ये पानी बरसात इन साल बारी बारी से आ जा रहा है, इस कारण थोड़ा सा मिट्टी नरम हो गया था, और पटाई का काम शुरू हो गया था, तीन चार रोज पटाई का काम हो चुका था, इसी दरमियान आज काम चल रहा था, उसी दरमियान में जो मिट्टी गिर जाने के कारण चार व्यक्ति दब गए हैं। अभी जेसीबी लगा हुआ है, लेकिन लाश खोजने में अभी कुछ टाइम लगेगा, और बाकी खबर आपको दिया जाएगा लाश के मिलने के बाद। मामला है ग्राम डाड़ू पंचायत का छित्रिया माटली में, सिंचाई को मनरेगा के तहत जो चल रहा था उसमें आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब में 12 से 15 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इसमें जहां तक अभी जानकारी मिली है कि चार मजदूर नीचे दबे हुए हैं 20 फीट के नीचे में। अब अभी तो कार्य में जेसीबी मशीन सब लगा हुआ है, लेकिन अब देखा जाएगा, समय आएगा तो निकालने के बाद स्थिति क्या है। नहीं अभी तक तो हम लोग का अनुमान हो रहा है कि आदमी सब स्वस्थ ही रहे, अच्छा रहे, लेकिन अब निकालने के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।